क्या पाकिस्तान के परमाणु बम पर तालिबान की नजर है? क्यों अमेरिका के सांसद ये सोचते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में एटम बम को लेकर सीक्रेट डील हो सकती है? अमेरिकी सांसदों की चिंता के पीछे अफगानिस्तान के हालात हैं। 31 अगस्त को नेटो अफगानिस्तान छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले आतंकी हमलों ने अशुभ संकेत दे दिए हैं। सवाल यही है कि काबुल में अमेरिकी सैनिकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं, तो आगे आतंकी करेंगे क्या? सबसे पहले बात अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन की। आज आतंक के जख्मों से कराह रहा है काबुल। अस्पतालों में जख्मी लोगों के परिजनों की कतारें हैं और ताबूतों में निकल रही हैं लाशें। दहशतगर्दों ने 100 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के मुजरिमों को सजा देने की शपथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खाई है। किसी भी वक्त अफगानिस्तान में बड़ी सैन्य कार्रवाई की खबर दुनिया के सामने आ सकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन क्या होगा, कैसा होगा, इसकी डिटेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को खुद बताई। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them. Wherever they are. बाइडेन ने जो कहा उसका मतलब कुछ बिंदुओं से समझिए। नंबर एक, काबुल के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी किया। नंबर दो, बहुत जल्द हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा होगा। नंबर तीन, अमेरिका के रडार पर दहशतगर्दी के खुफिया ठिकाने। नंबर चार, सजा की तारीख, वक्त और जगह अमेरिका तय करेगा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के मुताबिक काबुल पर आतंकी हमले के ठीक बाद बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग की थी। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी। आपातकाल मीटिंग में जो बाइडेन ने काबुल के कसूरवारों की सजा मुकर्रर कर दी। अमेरिका के प्लान के बारे में आगे बताएं, उससे पहले सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग की डिटेल सुनिए। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की डिटेल दी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क समेत टॉप अफसर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैन्य अफसरों ने राष्ट्रपति को विकल्पों की जानकारी दी। करीब दो घंटे की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगा दी। आपको यहाँ ये समझना है कि सिचुएशन रूम वो जगह है जहाँ से किसी भी जंग या ऑपरेशन पर नजर रखी जाती है। इस रूम का इस्तेमाल तब होता है जब विदेशी जमीन पर कोई ऑपरेशन चल रहा हो। यहाँ बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम तैयार करवाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति काबुल के गुनहगारों के लिए बड़ी और कड़ी सजा चाहते हैं। मकसद है आतंकियों के साथ साथ दुनिया को बड़ा संदेश देना। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक अफगानिस्तान से एक एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इवैक्यूएशन जारी रहेगा। It's an overused word, but it's totally appropriate here. We're heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. अब सवाल है कि अमेरिका के पास विकल्प क्या है? अफगानिस्तान में अमेरिका का नेक्स्ट प्लान क्या है? वो समझिए। प्लान नंबर एक, आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। प्लान नंबर दो, आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन।
प्लान नंबर 3 लादेन की तर्ज पर असलम फारूकी का अंत। प्लान नंबर 4 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। प्लान नंबर 5 अफगानिस्तान में और सैनिक भेज सकता है अमेरिका। प्लान नंबर 6 पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई। Let me just come back one moment, and you talked about going after ISIS. Yes, if we can find who's associated with this, we will go after them. We've been clear all along that we're going to retain the right to operate against ISIS in Afghanistan to determine who is associated with this cowardly attack, and we're prepared to take action against them. 24/7, we are looking for them. It was a failure by, the Taliban operate with varying degrees of confidence. अमेरिकी सेना के अफसर दावा कर रहे हैं कि जैसे 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और उसके दहशतगर्दों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया गया, वैसा ही अंजाम ISIS के आतंकियों का होगा। आज तक ब्यूरो।